Get all the electrifying VSL 9 action live on eSports. Don't miss out. मुझे पता है ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें कुछ वक्त दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन में भी कुछ वक्त चाहिए। तुम तब तक आराम से सोच लो। प्लीज एक बार बात कर लूँ तुम उस जज से। मारिया, मुझे इस सब में मत इन्वॉल्व करो। तुम तो अच्छी तरह जानते हो, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो रेहान और खाला में तो मुझे ही कसूरवार ठहराएंगे ना। आज भी मेरा दिल ना आपकी भलाई का ख्वाहिशमंद है जैसे पहले। इस पर तो फातिया पढ़ ले मैडम। परसों इस प्रोजेक्ट का मालिक मुल्क से बाहर भाग गया है और ये प्रोजेक्ट सील हो चुका है। तो अगर वो फ्लैट बना भी लेती और उसमें रह भी लेती, फिर भी उसमें बरकत नहीं होनी। यही फर्क होता है हराम और हलाल। ऐसे दर्द छुपा के बैठ जैसे कोई जमाना। पिटो यहाँ पे, मातम करो। मजा आता है मुझे तकलीफ देख। हेलो, इंतजार। हेलो, सुनो, तुम बच्चे लिए घर आ जाओ प्लीज। मुझे इस वक्त में तुम लोगों की बहुत जरूरत है। बहुत जल्दी ख्याल आया तुम्हें, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं सारी कश्तियां जलाकर उस घर से निकला हूँ, अब उस घर में कभी वापस नहीं आऊंगा। इंतजार, बात तो सुन लो मेरी। सुनो, वो जो फ्लैट नहीं मैंने हमारे लिए हमारे बच्चों के लिए बनाया था, वो ना बिल्डर भाग गया, मेरे सारे पैसे डूब गए, मैं लूट गई हूं, मैं बर्बाद हो गई हूं, प्लीज आ जाओ। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। जितनी दफा मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना। जिस तरह से तुम मस्जिद के पैसे चुरा चुरा के उस घर की किस्तें देती थी ना, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना था। खुदा की लाठी बे आवाज होती है बेबी। ना मैं उस घर में कभी रहता, ना ही अपने बच्चों को रहने देता। हाँ हाँ, तुम क्यों जाते हो उस घर में? तुम्हें तो अपने घर में रखने वाले बहुत है ना। मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ और तुम्हारा घर भी भाड़ में जाए, मुझे फोन मत कर। भाड़ में तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी इंकसार, मैं अपने बच्चे वापस लेकर लाऊंगी। पप्पो, हमारा छोटा बेबी कब आएगा? बस बहुत जल्द आ जाएगा इंशाल्लाह। आप अल्लाह ताला से दुआ करो ना। वो तो मैं करती हूँ। मम्मा का था ना, आप उसको छोड़कर चले जाएंगे तो वो भी आपको मिस करेगा ना, जैसे मैं मिस करती हूँ मामा को। नहीं मेरी जान, आप क्यों मामा को मिस करोगे? आपके साथ दादू है ना, और आप अकेले तो नहीं हो, है ना? तो आपको जो भी चीज चाहिए हुआ करे, आप दादू को कह सकते हो, दादू तो आपको दे देंगे ना। तो फिर आपका बेबी मेरी दादी के पास रहेगा। नवोर बेटा, एक काम करते हैं, सबसे पहले अपना होमवर्क खत्म कर लेते हैं, कि शाम होने वाली है। ये शाम होगी तो मेरी नूरी को नींद आना शुरू हो जाएगी। अच्छी बात है ना, होमवर्क पहले खत्म हो जाए। यस, बट होमवर्क बहुत डिफिकल्ट है, मम्मा की हेल्प चाहिए होगी। मेरी बात सुनो। कोई बात नहीं है, पप्पू तो है ना, पप्पू हेल्प कर सकती है आपकी। ठीक है, चलो आ जाओ, लेट्स गो, लेट्स गो। हम आते हैं। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी अम्मी, खैरियत? यार नूर बहुत डिस्टर्ब और उदास है, मेरे से उसकी उदासी देखी नहीं जा रही। तुम भी कोशिश करके देखो रीबा से बात करके। कितनी बार अम्मी मैं ये जहर का घूंट पिया, कितनी बार अपनी अनाक को साइड पे रखे, उसके सामने झुकूं। क्या करें बेटा, पहल तो तुम्हें ही करनी होगी, अपनी बेटी अपनी नूरी की खातिर। कोशिश करके देख लो। तुम जानते हो जब से तुम दोनों की लड़ाई हुई है ना, अरीबा ने तो मोड़ के इस मासूम की तरफ देखा भी नहीं, और ये है कि बस उसी को याद करती रहती है। नादान है नूर, ऐसी औरत से आस लगाए बैठी है जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसका तो बस चले तो उसकी जान ले ले। नहीं नहीं रिहान, ऐसी बात हरगिज नहीं है, वो तो रीबा ने बेटा गुस्से में कह दिया था। नूर आखिर उसकी बहन की बेटी है, ऐसा नहीं कर सकती वो। ठीक है, सिर्फ आपके कहने पे एक बार फिर मैं उससे सुलह करने की कोशिश करता हूँ। अरीबा को एक ही चीज से खुशी मिलती है, कोई गिफ्ट ले लेता हूँ उसके लिए। ओके, थैंक यू। यस, जी क्रेशन रिसीव्स की पेमेंट ऑन? उनकी तो फर्स्ट वीक में ही हो गई थी पेमेंट। और हमदान इंडस्ट्रीज? 70% हो चुकी है, अभी डिलीवरी नहीं हुई तो उसके बाद उनकी भी हो जाएगी। लेकिन रॉ मटेरियल और डाइस की पेमेंट रह गई है। और भी बहुत सारे पेपर्स हैं, यूटिलिटी सैलरीज, चारों तरफ से मुसीबत ने आ गहरा, पता नहीं क्या होगा। एक बात पूछूं आपसे, कहीं आपने फहाद से पार्टनरशिप ख़त्म करने में जल्दी तो नहीं कर दी है, क्योंकि कंपनी के ज़्यादातर फंड्स उसी का शेयर देने में जा रहे हैं। जो कुछ हुआ उसके बाद मैं फहाद से पार्टनरशिप कंटिन्यू कर सकता था। माल दौलत ये सब इज्जत के आगे कुछ नहीं है, और ये इस दौलत का एक कसूर है जो हर रिश्ता मुझे तहा देता है। बेबी को भी दौलत ही हर्ज थी, अम्मी भी यही चाहती थी कि मैं पैसे कमाता रहूं बस, हाँ उसका मेरी जाती जिंदगी पे कोई भी असर पड़े। हमारे यहां उसका धोखा तो मेरे लिए आखिरी धचका साबित हुआ। औरतें होती भी वफाएं, उन पर भरोसा करना खुद को फरेब देना। हर औरत ऐसी नहीं होती, कुछ सिर्फ आपकी भलाई और सलामती चाहती है, बिना किसी गर्ज और मतलब के। मेरे नसीब में शायद दहावाज औरत थी, नसीबों की बात मत करें अर्शद, ऐसे तो बहुत से हिसाब खोलेंगे फिर। दगा तो मेरे साथ भी हुआ था ना, तो फिर ये सब तो मकाफाते अमल हो रहे हैं।
मेहराल, आपके सपोर्ट में कोई हो ना हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और आपका साथ दूंगी। थैंक यू। परेशान मत हो। रिहान आप? हाँ, बोले। तो ये वजह थी तुम्हारी हर वक्त घर से बाहर निकलने की? से चल रहा है? हाँ, कब से चल रहा है? देखो रेहान, बैठ के बात कर लेते हैं। बंद करो अपनी। तुम्हें जान से मार दूंगा। रेहान, तुम्हारी ये मजाल के तुम मेरी बीवी के साथ? रेहान, यहाँ तमाशा नहीं करें, घर चल के बात करते हैं। माशा तो ऑलरेडी मेरा बना चुकी हूँ, इसके साथ बहन का घर बर्बाद किया इसने और अब मेरे ही घर में गांठ लगाए बैठा है। को अब हाथ उठाना ना। क्या क्या करोगे तुम? तो मैं देख लूंगा। तुम चलो। रेहान, रेहान, और ये देखो, 2 मंथ। अलीफ, क्या हो गया? छोड़े मुझे। तुम जैसी औरत भरोसे के काबिल ही नहीं है। क्या हो गया रेहान बेटा, होश में तो हो? नहीं हूं मैं होश में, सब होश खो चुका हूं मैं। अरे किसका गला दबा दूं मैं? क्या किया मैंने? बिल्कुल चकली हो गए हो। क्या हो गया आप दोनों को? क्या हो गया भाई, कुछ बताएंगे आप हमें? शर्म आ रही है मुझे आप लोगों के सामने ये बात करते हुए। नोर, चल मेरी जा, अब ऊपर जाके पढ़ो बेटा। आपके कहने पे मैं इसको मनाने गया, तोहफा खरीदने गया इसके लिए। वहां क्या देखता हूं, ये फहाद के साथ घूम फिर रही थी ये। हाँ तो कौन सा गुनाह कर लिया मैंने? कजन है मेरा, आप लोगों ने सारे खानदान से कटा ताल्लुक कर लिया तो मैं भी कट ऑफ कर दूं सबसे। झूठ मत बोलो मुझसे, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम दोनों। तुम जिस तरह घूम फिर रहे थे ना, पागल नहीं हूं तेरे, जान ले लूंगा तुम्हारी। अरे बाप,
फहद ने जो कुछ मारिया के साथ किया और अब तक कर रहा है, उसके बाद तुम उससे मिलना गवारा भी कैसे कर सकती हो? मैं आप लोगों की जरखरीद गुलाम नहीं हूँ कि जिससे आप लोग चाहे मैं उसी से मिलूं। मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है। यही तो, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी ख्वाहिशात, हमेशा तुमने खुद को सबसे ऊपर रखा है। लेकिन आज जो तुमने वफा का दामन हाथ से छोड़ा है ना, धोखा दिया तुमने मुझे। धोखा तो मेरे साथ हुआ है। क्यों अरीबा, तुम्हें हमने इतना प्यार दिया और उसका ये सिला दे रही हो तुम हमें? कौन सा प्यार आला? किस प्यार की बात कर रही है? तुझे जाओ, ये प्यार था आपका, एक शादीशुदा आदमी से मेरी शादी कर दी आपने जबरदस्ती, और अपनी बेटी के लिए क्या चुना? अपनी लाडली बेटी के लिए आपने फहद चुना। लेकिन खुदा की लाठी भी बेआवाज है, इसका भी घर नहीं बसा, ना फहद के साथ और ना अज्जत के साथ। अरे कैसे बसता, बंदुआ जो थी मेरी, आपको, आपकी बेटी को, नूर को। बकवास बंद करो अभी। या मेरे खुदाया, इतना कीना पाल के रखा हुआ था इतने सालों से तुमने अपने अंदर, तुमने ऐसा क्यों किया? कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम वही अरीबा हो जिसने इतना ख्याल रखा इतने सालों हमारा। सोबिया के चले जाने के बाद तुम्ही ने तो हम सबको और इस घर को संभाला था। अरीबा, ये इतना जहर कैसे तुम्हारे दिल में भर गया है? और क्या सिला दिया आप लोगों ने मेरे उस प्यार का? ये सिला दिया कि ये जबरदस्ती की शादी मेरे सर पे थोप दी। आप सबने मिलकर, कलामी आप सबने मिलकर मेरे अरमानों का कत्ल किया है। कौन सी लड़की ये चाहती है कि शादी के तोहफे में उसे एक कदम बच्ची मिले? सच तो ये है कि ना रेहान को बीवी की जरूरत थी और ना आपको इस घर के लिए बहू की। आपको चाहिए थी तो एक खादिमा, एक 24 घंटे की मुनाजमा, एक 24 घंटे की आय आपकी पोती के लिए। बस कर दो, आप बकवास कर चुकी हो। नहीं करूंगी, बस आज ही तो कहने का मौका मिला है मुझे। हाँ, करती हूँ मैं प्यार फहद से, और आज से नहीं तब से करती हूँ जब से मारिया की शादी भी नहीं हुई थी उससे। और मारिया, तुम ये बात अच्छी तरह जानती थी ना? तो तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मुझे फहद के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था। घर वालों ने जो कहा मैंने उनका हुक्म सर आंखों पे रख दिया और कुछ नहीं, तुम तो जानती हो ये बात। हाँ, तुमने बड़ों का हुक्म माना, और बड़ों ने क्या किया, मेरे हिस्से की खुशियां तुम्हारी झोली में डाल दी। मैंने ही करवाई थी मारिया और फहद की तलाक। अरीबा ने खुद कहा है कि वो फहद से मोहब्बत करती है और रेहान से शादी खत्म करना चाहती है। क्या फहद? ऐसे दर्द छुपा के बैठे जैसे कोई जमाना। और मेरी झोली में क्या डालूं? घर और बच्चे की जिम्मेदारियां। मेरा नसीब था जो तुम्हें मिला,
तुमने छीना मेरा नसीब, तो फिर मैंने भी फहद से तुम्हारा पीछा ही छुड़वा दिया। मैंने ही करवाई थी मारिया और फहद की तलाक। मगर फिर भी मेरे पैरों में आज तक ये शादी की बेड़ी बंधी हुई है। अरे बतुम, तुम्हें तो मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझती थी ना। अपने दिल की हर बात, हर चीज मैंने तुमसे शेयर की। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह मुझसे दुश्मनी निभाओगी। देख रहे हैं आप, आस्तीन का साम पल रहा था हमारे साथ। कितनी बैर रहे हो तुम? हाँ, जिद की खातिर तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। जब किसी को मेरे दुख का एहसास नहीं था तो मैं क्यों किसी के दुख का एहसास करती? हम सब तो यही समझे थे कि तुमने नूर की खातिर कुर्बानी दी है। तुम्हारी सगी बहन की बच्ची बिन माँ के ना पले, इसलिए तुमने हाँ की है। बस सुन, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। खाला को फोन मिलाया, उन्हें बताएं कि मैं अब इस औरत के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। खत्म करें ये सब कुछ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किस चीज का इंतजार है? खत्म करें, मुझे भी नहीं रहना आपके साथ। यही करना चाहती थी ना तुम? देख रहा हूं तुम्हारे ड्रामे इतने दिन से। कमरा अलहदा कर लेना, नूर पर हाथ उठाना, घर के किसी काम में दिलचस्पी ना लेना। तुम तो ऑलरेडी अलहदा हो चुकी हो। अरे बन नगो ने तो नहीं तुम्हारी इस तरह की तरबियत की? तुम किस पे चली गई हो? तुम तो एक अच्छे खानदान की लड़की थी, ये सब क्या कर रही हो? अब जानना चाहती है कि मैं ये क्यों कर रही? चलें, शुक्र है आपको एहसास तो हुआ। क्या आपने पूछा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं? मैं ऐसा इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज तक मैं अपने शौहर से तवज्जो के लिए तरसती रही हूं। जो मुकाम एक बीवी को अपने शौहर से मिलता है, वो मुझे कभी रेहान से मिला ही नहीं, क्योंकि हमेशा कभी नूर कभी आप हमारे दरमियान में आती रही। तो फिर मैं क्यों ना एक शख्स की तरफ जाऊं, क्यों ना उसकी तरफ रागे हूं जो मुझसे प्यार करता है, मेरी कदर करता है, मुझे सराहता है। क्या मानी चाहिए तुम्हें? अपनी बेवफाई को जस्टिफाई कर रही। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा दिया है, लेकिन सच तो ये है कि तुमने मुझे कभी अपना शौहर कबूल ही नहीं किया। और किसके लिए आज मालूम हुआ? उस फहद के लिए। अच्छी बात, आपको जैसा लगता है ठीक है, आजाद करें मुझे। मुझे भी नहीं रहना। हाँ तो फिर किस चीज का इंतजार है? आजाद कर दें मुझे। अपने पूरे होश आवास में अरीबा खबर तुम्हें माँ, बिल्कुल नहीं रहा। जुमला पूरा करें, बोले बोलो, तलाक देता हूँ, बोलो बोलो, तलाक देता हूँ, बोलो तलाक देता हूँ, बोलो ना, दो तलाक। क्या हो गया तुम्हें? खुदा के लिए तुम तो चुप कर जाओ। अरीबा जाओ अंदर, जाओ तुम अंदर जाओ। अंदर नहीं जाना मुझे, मुझे इस घर से बाहर जाना है, मुझे आजाद करें। आज तंग आ गई हूं मैं, मुझे बाहर जाना है, मुझे अंदर नहीं जाना। मुझे तलाक दो, तलाक दो, बोलो
बोलो तलाक दे दो, बोलो आजाद करो मुझे, बोलो। दफा हो जाओ, मैं कह रहा हूँ दफा हो जाओ यहाँ से। बेटा मैं बात करती हूँ नगो खाला से, वो आकर इसे ले जाएंगी। तुम्हें नूर की कसम कुछ मत कहना। तुम अब तक घर नहीं गई? मुझे तो लगा तुम घर जा चुकी होगी। चलो मामू मामानी परेशान हो रहे हो। बस एक फाइल रह गई थी, सोचा ये करके निकल जाऊँ। इनकसार भाई का प्रोजेक्ट है और वो तो यहाँ है नहीं, तो किसी ना किसी को तो देखना ही है ना। कल कर लेना, इट्स टू लेट। मैं तुम्हें ड्रॉप करता हुआ घर चला जाऊँ, वैसे भी अभी ड्राइवर नहीं। लेकिन कल ड्यू है। कल की कल देखी जाएगी ना, फिलहाल चलो। रीबा। हेलो फात, तुम ठीक तो हो ना? जंगलियों की तरह मारा है तो मेरे हाने। हाँ बस जबड़ा तोड़ने की कसर बाकी रह गई थी, वो तो मैं तुम्हारी वजह से वहाँ पे उसका नियाज कर रहा था, मैंने उसको बता देता। मगर मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया। क्या कर दिया तुमने? मैंने रेहान और बाकी सबको सच बता दिया। क्या सच बता दिया? यही कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। अब मुझे रेहान के साथ नहीं रहना। तो क्या कहा उसने? उसने क्या कहना था? जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, नहीं रहना मुझे रेहान के साथ। तो बड़ा हिम्मत से काम लिया था मेरी बा। बस मुझे यहाँ से निकलना है जल्द। रेहान मुझे जल्दी तलाक दे दे, वरना मैं खुद ही खुला ले लूँगी। बस ये खाला अम्मी मेरी अम्मी को फोन ना कर दे, वरना सारा काम बिगड़ जाएगा। तो तुम उससे पहले ही रेहान से अपनी जान छुड़वाओ ना। हाँ यही करूँगी। हाँ तुम्हारा पासपोर्ट भी कल तक बनकर आ जाएगा, फिर मैं तुम्हारा वीजा अप्लाई कर दूंगा। हाँ मैं भी तंग आ गई हूँ इस उम्र कैद से, जिस दिन मुझे रिहाई मिलेगी तभी सुकून का सांस लूंगी मैं। वो दिन जरूर आएगा। सुनो तुम अपना ख्याल रखो। ओके आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे अब्बू तो तुम्हारा इंतजार कर करके सो गए। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ।
नहीं अम्मी, मैंने खा लिया है। अर्शद को भूख लग रही थी तो हम लोग कहीं बाहर चले गए। तुम्हें अर्शद छोड़ के गया? ऑफिस की गाड़ी में नहीं आई हो? नहीं, इतनी देर तक ड्राइवर्स कहाँ रुकते हैं? तो अर्शद ने कहा कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। बेटा फिर बाहर से ही क्यों चला गया? क्या आजकल ऑफिस में काम का लोड बहुत ज़्यादा है? हाँ अम्मी, वो इंकसार भाई ने रिज़ाइन कर दिया है और आपको तो पता है कि नताशा के अबू का इंतकाल हो गया है, तो उन सब के हिस्से के काम की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। फिर तो अज़र बहुत परेशान होगा कि घर में भी इतने मसाइल चल रहे हैं और अब दफ्तर में भी। दफ्तर तो मैं संभाल ही रहूँगी और इंशाल्लाह घर भी। क्या मतलब? मतलब ये कि इस वक्त अर्शद को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो इमोशनली बहुत टूटे हुए हैं, घर में भी उनकी हर एक से नाराज़गी है। ऐसे में कोई तो हो ना जो उनका मॉरल सपोर्ट बने। अम्मी, मैं अर्शद को यूँ टूटता हुआ नहीं देख सकती। तुमसे कुछ कहा है अर्शद ने? नहीं अम्मी, उन्हें मुझसे कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ आप 10 साल तक मंसूब रहे हो, उसकी बहुत सी बातें ना आपको बिन कहे ही समझ आ जाती हैं। किस्मत ने ना हमें एक दूसरे के लिए ही बनाया है और बाकी सब इत्तफाकन हमारे बीच में आ गए हैं। मुझे तो लगता है ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये बस इसीलिए हो रहा है कि मैं और अर्शद फिर से एक हो सके। ठीक है बेटा, बस देख लेना किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो, कोई नाजायज बात ना हो, बाकी सब अल्लाह मालिक। चलो अब तुम भी रेस्ट करो। या रब, ऐ दिलों का हाल जानने वाले, तू मेरी पाकी का गवाह है। मेरी नेक नियति तुझ पर आया है, मगर मेरे शौहर को ये सब कुछ बिल्कुल नज़र नहीं आता। मेरी मोहब्बत और मेरी वफा की उन्हें बिल्कुल भी कदर नहीं है। या रब, तू मेरे बच्चे को सलामत रखना, क्योंकि अब मेरे पास इसके सिवा और कोई भी नहीं है। मैं भी अपना दिल कड़ा कर लूँगी, जिससे मेरी बिल्कुल परवाह नहीं, मैं भी उसके लिए एक भी आंसू नहीं बहाऊंगी अब। बस या रब, तू मेरे बच्चे की हिफाजत कर। मुझे तो लगता था कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। तुम नए जब रिश्ते से हामी भरी तो मुझे लगा कि तुम्हें वाकई मेरे घर वालों का एहसास है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम इस तरीके से दुश्मनी निभाओगे अरीबा। अनजान मत बनो मारिया, खुद को मेरी जगह रखकर सोचो। तुम कर लेती खुशी खुशी एक बच्चे के बाप से शादी? मैंने तो अम्मी और खाला अम्मी की इमोशनल ब्लैकमेलिंग की वजह से शादी की थी। और चलो हो गई थी मेरी रेहान से शादी, तो तुम्हें क्या फहद ही मिला था शादी करने के लिए? तुम अच्छी तरह जानती थी कि मैं उसे पसंद करती थी। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी,
दुनिया में बाकी लोग क्या मर गए थे जो तुम्हें फाती मिला था निकाह करने के लिए? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया रीबा, अगर तुम्हें इतना मसला था तो उसी वक्त रोक देती मुझे। तुम पे एक क्या बल्कि 10-10 फाहत कुर्बान करने को तैयार थी मैं, लेकिन मेरे निकाह के बाद इस तरह मुझे रुसवा करोगी तुम? मुझ में तलाक का धब्बा लग गया रीबा। हर इंसान को अपना गम दुनिया का सबसे बड़ा गम लगता है। उस वक्त मेरे दुख का किसी को एहसास नहीं हुआ, सब मेरे जज्बात को हवा में उड़ा रहे थे। तुम जानती हो तुम, तुम्हें और फहद को एक साथ देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। बस मेरे एक यही हल था मेरे पास अपनी तकलीफ दूर करने का, कि जो मेरा नहीं हो सका वो तुम्हारा भी ना हो। दोस्ती से भरोसा उठ गया है मेरा। तुम ही एक शख्स थी ना जिससे मैं अपनी हर दिल की बात शेयर करती थी, और कौन था मेरे पास? लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम दोस्ती नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी निभा रही हो। सुनो, अपने भाई से कहो कि मुझे छोड़ दे, आजाद कर दे मुझे, वरना ऐसा ना हो कि तलाक का परवाना एक बार फिर तुम्हारे घर का रुख कर। क्योंकि कोई उस घर में भी है जो तुमसे अपनी दुश्मनी निभा। मेरा नंबर कर दिया उसने, मेरे बच्चे ले गया मुझसे, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। आदिल, नताशा का जो फ्लैट है उसका एड्रेस पता करके दो, वहीं होंगे वो लोग। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी भेजो। सारा पता चलेगा तुम्हें। देखो, सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया सब कुछ। क्या हुआ बाजी? मारिया तो ठीक है ना, और अरीबा कहाँ है? देखो अरीबा और रेहान का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, बात इतनी बढ़ गई है कि मुझे डर है कि ये रिश्ता ही ना खत्म हो जाए। क्या ऐसा क्या हुआ है, मुझे बताएं तो सही। अरीबा ने रेहान से कहा है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है। वो तो कह रही थी बाजी, आपको तो पता है ना कि अरीबा कितने गुस्से की तेज है, और ये बात तो कई बार कह चुकी है। अब इतने साल उसने गुजार ही दिया ना, रेहान को ही थोड़ा समझना चाहिए। नहीं लगो, तुझे पता नहीं है इस बार बात बहुत बड़ी है, रेहान ने अरीबा और फात को एक साथ देख लिया। अरीबा ने खुद कहा है कि वो फात से मोहब्बत करती है और रेहान से शादी खत्म करना चाहती है। क्या फहद? बाजी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो बिल्कुल सास बन गई हैं मेरी बेटी के लिए। उसकी जिंदगी भर की कुर्बानी, उसका ये सिला दे रही हैं आप कि उसमें इल्जाम लगा रही हैं?
अरे निकुल साथ नहीं लगा रही। अरे मैंने तो खुद बताया कि वो फात को चाहती थी, वो भी अपने ही हमेशा से। ऐसे दर्द छुपा के बैठे जैसे कोई जमाना। Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports.